अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ फूड ब्लॉगर में फिर से एक बार दोस्तों आप सभी का। तो आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार की ज़ीरा राइस चावल रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार की बनती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, कम इंग्रेडिएंट और बहुत ही आसानी से बनने वाली हमारी ज़ीरा राइस की रेसिपी आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसे देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगेंगे, बहुत ही मज़ेदार कहती है। और मज़े की बात तो ये है कि बच्चे बुजुर्ग इसे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेट चावल ले ली है और यहाँ पर मैंने अलग से बनाई नहीं है चावल, यहाँ पर मैंने जो दिन का बचा हुआ था चावल उसी को मैंने ले लिया है। और यहाँ पे एक मीडियम साइज की हमने प्याज ले ली है, इसको भी मैंने रफली कट किया है। और यहाँ पे एक करी लीव्स की डंगाली ले ली है और दो हरी मिर्च ली है, इसको मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने दो छोटी टमाटर ले लिया, इसको भी मैंने रफली कट किया है, चॉप कर लिया है। बस अब इसे देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। और इस मज़े की बात यह है दोस्तों कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगेंगे, बस जो मैंने अभी दिखाया ना, बस इतना ही इंग्रेडिएंट इसमें लगेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक गैस पे कढ़ाई ले लिया और उसमें मैंने ऑयल ले लिया है एक बड़ी चम्मच से, और इसको मैंने गरम कर लिया है। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून यहाँ पर हमने ज़ीरा ले लिया है, और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे करी लीव्स, जो हमें इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, हमारा जो ज़ीरा राइस है ना उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ही हमें साथ ही साथ डाल देना है प्याज और हरी मिर्च, उसको भी डाल देंगे साथ ही साथ, सॉटे कर लेंगे इसे भी। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो इसमें एक ही हरी मिर्च डालिए, क्योंकि मैंने जो हरी मिर्च ली है ना वो बहुत ही झाल है, बहुत ही तेज़ है। तो आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं टिफ़िन के लिए फिर जो भी है, तो आप उसके लिए हरी मिर्च एक ही लीजिए, क्योंकि बहुत ही झाल हो जाती है। तो बस इसे अभी हमें मीडियम फ्लेम पर इसे सॉटे करना है, और ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का पिंक कलर आएगा ना इसका, तो बस इसे हम हल्का गोल्डन, एकदम हल्का गोल्डन करके इसे, बस ये देखिए इतना ही हमें करना है। बस ये इतना कर लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को भी हमने क्या करना है, बस थोड़ा एक दो हाथ चलाकर, गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर अभी ये मीडियम फ्लेम पे रखा है, और जब इसको हम पकाएंगे ना तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, ठीक है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करके हमें इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे हमने लिया है 1/2 टीस्पून नमक। और ध्यान रखकर आप नमक डालें, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि लगता है तेज़। तो बस इसमें डाल दिया मैंने नमक, इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगाकर गैस का फ्लेम लो करके हमें 2 मिनट तक पकाना है। तो ये देखिए हमारा 2 मिनट हो चुका है, और देखिए अब टमाटर अच्छे से गल गई है, मैश हो गई है। बस इसे चम्मच की मदद से ऐसे थकुच देंगे, जो भी बोलते हैं इसको मैश कर देंगे, और बस इसे करके ये हमारा जो है मसाला, जो हमारा चावल के लिए जो हमने बनाया है ना मसाला, वो रेडी है। बस अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर बोल रही हूँ सॉरी, यहाँ पे हम डाल देंगे चावल। तो अब अगर आपके पास दिन का चावल है या फिर आप चावल बच जाती है, बहुत ज़्यादा बन जाती है और कोई सब्ज़ी नहीं बनाने का मन हो, तो आप इसे बना सकते हैं, ऐसे भी बनाकर आप खाएंगे ना बहुत ही मज़ेदार की लगती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बस अभी हमें इसे मिला देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मिलाकर हमें इसे ढक कर पका लेना है 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ढक कर धीमी आँच पर। और ये देखिए हमारा 2 से 3 मिनट हो चुका है, और हमारा जो ज़ीरा राइस चावल है ना वो बनकर रेडी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट, कम चीज़ों से बनकर हमारा जो ज़ीरा राइस चावल है वो एकदम बनकर रेडी है, बहुत ही परफेक्ट, जैसा मैंने चाहा था वैसा बन चुका है। तो अब ये खाने के लिए रेडी है, और बस इसे अब हम करेंगे सर्व। तो ये देखिए हमारा ज़ीरा राइस चावल एकदम परफेक्टली रेडी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार की बनती है। और बस इसी तरह आप भी मेरे साथ इंजॉय को, और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुकुम्बर खीरा जो भी है वो ले लेना है, बहुत ही मज़ेदार की लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर अभी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि मेरी हर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं 4 से 5 दिनों तक अपने चैनल पर अपडेट नहीं रह पाई, तबीयत थोड़ी सी ख़राब
खराब होने की वजह से, पर इंशाल्लाह अब से रहूँगी अपडेट हमेशा हमेशा। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी गर्मी है तो आप पानी का यूज़ ज़्यादा कीजिए। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, तब तक